हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स के बेसिक कवर कर रहे हैं, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिए हैं, आज हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं। मैथ के बहुत टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं। आज हम मल्टीप्लिकेशन के दो डिजिट, तीन डिजिट और चार डिजिट नंबर तक हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे ताकि आपको आसानी हो। एक काम में प्रॉब्लम आपको एक डिजिट का भी करा देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल नहीं हो। मैथ के बेसिक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी एक्सरसाइज आती है, जो भी प्रॉब्लम आते हैं, उसमें मैथमेटिक्स के बेसिक का आना ज़रूरी है। तो हम नंबर लेते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमें नंबर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये एक डिजिट नंबर है, वो दो डिजिट नंबर वाले को मल्टीप्लाई करा, ये बिल्कुल ही आसान है। तो हम क्या करेंगे, तीन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री फोर द 12 हो जाएगा, 12 का टू इधर रखेंगे, एक ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और इसके बाद थ्री टू द 6 6, और ये एक हम इसमें प्लस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 हम इधर रख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें है हमें गिवन है 3 4 2 5 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 32 से। अब ये देखिएगा, ये 32 है, 32 अगर हम डायरेक्ट टेबल लगाएंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए हम अलग अलग करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, हम क्या करते हैं, पहले 2 को हम सारे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें कैसे। 2 को अगर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 को 5 से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 का 0 इधर आएगा और 1 ऊपर चला जाएगा इधर। 2 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 में ये 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो रहा है। ठीक है, एंड 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6। अभी हमने एक डिजिट हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, यूनिट वाला। उसके बाद हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है, उसके मल्टीप्लाई करना, उससे पहले हमें एक चीज़ के ध्यान में रखनी है, ये जो यूनिट होगा उसके हम नीचे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, क्रॉस लगा देंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन सही होगी। उसके बाद हम जो दूसरा डिजिट है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने 2 को करा था, 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3, वो इसके नीचे रख देंगे। 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होते हैं, 15, 15 का 5 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 6 6, और 1 कितने हुए, 7, ये 7 इधर आ गए। ठीक है, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो रहे हैं, 12, 12 का 2 इधर आएगा और एक ऊपर जाएगा। 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितने होंगे, 9 9, और ये 1 हो गए तो कितने बचे, 10। अभी हमें फाइनल में क्या करना है, ये दोनों डिजिट और ये दोनों नंबर्स हमें प्लस करने हैं। जैसे 2 के नीचे क्रॉस है, ये 0 कंसीडर कराया जाता है, तो हमने क्या किया, ये हो गया 2, 0 और 3 कितने होते हैं, 3, 5 और 5 10 होते हैं, तो 10 का इधर 0 इधर, 1 ऊपर चला गया, ये 1 है, और ये 8 9 9, और 7 कितने हो गए, 16, और ये 1 हो गया और ये 6 हो गए, 7 7, और 2 कितने हो गए, 9, और ये 0 है और ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा भी हमें एक और प्रॉब्लम कर देते हैं, हमें जैसे गिवन है 40 32 91 को हमें मल्टीप्लाई करना है 123 से। ये भी थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है क्योंकि हमें 3 डिजिट गिवन है, अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 123 की टेबल लगाते तो ये मुश्किल होता है, इसलिए हम अलग अलग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई सारे नंबर से करेंगे, कैसे, 3 1 3 3 9 27, तो 27 का 7 इधर आएगा, 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, 3 2 6 6, और 2 ये कितने हुए, ये हो गए 8। ठीक है, 3 3 9 3
3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0 3 4 12 हम इधर रख दें। एक नंबर मल्टीप्लाई, एक डिजिट नंबर मल्टीप्लाई हो गया है, उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस रख देंगे, उसके बाद दूसरा डिजिट हम उठाएंगे, ठीक है। दूसरा डिजिट उठाएंगे तो वो सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होता है, 18 का एक 8 इधर और एक ऊपर चलेगा इधर, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 और एक कितने हुए 5, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 किससे से भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दो डिजिट नंबर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तीसरा करना है तो हम क्या करेंगे, दो क्रॉस लगाएंगे नीचे इधर, ठीक है, दो क्रॉस लग जाएंगे, उसके बाद जो नंबर है ये एक, वो हम सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक किसी के भी और सही है, एक एक कैसे 1 1 1 1 9 1 9 1 2 2 1 3 3 1 0 0 उसके बाद 1 4 4, ये भी हमने सारा मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फाइनल में हमें क्या करना होता है, ये ऐड करना होता है, ऐड कैसे करेंगे, ये क्रॉस है नीचे तो ये 0 कंसीडर किए जाएंगे, 3 तो ये 3 हो गया, 2 और 7 कितने होते हैं 9 होते हैं, ठीक है, 8 और 8 कितने हुए 16, 16 और 1 17, तो 17 के साथ इधर एक ऊपर चला जाएगा, 1 9 10 हो गए, 10 और 5 कितने हो गए 15, 15 और 9 कितने हो गए 24, तो 4 इधर आएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 और 0 0 2 और 0 2 हो गए और 6 उसमें प्लस करते हैं तो ये 8 हो गए, 8 और 2 हो गए 10, तो ये 10 ऊपर 1 चला जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गए और ये 0 तो ये 3 और 3 और 3 कितने हुए 6, तो 1 और 8 कितने हुए 9 और ये 4 तो ये 4 आ गए, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करते हैं, ये 3 हो 4 हो 5 हो, ये ऐसे करते जाएंगे, हम क्रॉस लगाते जाएंगे, उसके बाद जो फाइनल होगा तो हम ऐड कर देंगे जैसे हमने अभी करा है, ठीक है। इसकी हमें एक्सरसाइज गिवन है बुक में, सिंथेटिक बुक क्लास 4 में, वो मैं एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ, इमेज भी आपको शेयर कर रहा हूँ, वो एक्सरसाइज नंबर है, लिख लें आप अपने पास, एक्सरसाइज नंबर 1.9, ये एक्सरसाइज की इमेज भी आपको शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप 10 सॉल्व करें या 5 करें, जितने भी करें आप मुझे इसके आंसर्स जो हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद हम डिवीजन सीखेंगे अगले क्लास में, तो अगर आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कोई भी मसला हो या प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या व्हाट्सएप के नंबर पे आप हमें बता सकते हैं। हाँ, अगर सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सारे मैथ के बेसिक्स कवर करेंगे।